हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सूजी से एक नई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सूजी लिया है 1 कप, और ये पतला वाला सूजी है, और आप चाहे तो मोटा वाला भी ले सकते हैं। और कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और पानी को उबलने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, और आंच को मीडियम रखना है। और इसे छोड़ना नहीं है, और इसे चलाते रहना है, और इसे एक डो की तरह बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बन गया है, एक डो की तरह बन गया है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो ये ठंडा हो गया है, और मैंने पहले से उबाल के आलू रखा था और इसे ग्रेट करके रखा है। अब इसे भी आलू को डालेंगे। अब इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, और कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें करी पत्ता डालेंगे, और आप चाहे तो धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे, गोटा जीरा, और अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो गया है। और हथेली में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा लोई लेंगे, और हथेली में रख के इसे चपटा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से करना है, हाथों में लेके दबाना है, एक लोई लेना है और हाथों में दबाना है। और इसी तरह से बना के रखेंगे। और इतना सारा बनाया है, और इसे पहले फ्राई करते हैं। और एक पैन बैठाया है, और उसमें तेल डालेंगे। और तेल को चारों तरफ फैला देंगे, और तेल गर्म हो गया है। अब उसमें डालेंगे, अब इसे दूसरे साइड पलट देंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से गोल्डन फ्राई हो रहा है। इसे दोनों साइड पलटते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों साइड कितना अच्छा पक गया है। अब
अब ये बन गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब दूसरा बैच डालेंगे और इसी तरह से सारे टिक्की को बना के रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बना के रख लिया हूँ। अब इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप घर में एक बार ज़रूर बनाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।